हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडीज किचन। आज हम लोग एक कुकवेयर सेट का अनबॉक्सिंग करेंगे। जानेंगे क्या है इसके फीचर्स। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैंने वंडरशेफ ब्रांड का कुकवेयर सेट ऑर्डर किया है। मैंने रॉयल वेलवेट प्लस जो मॉडल है वो ऑर्डर किया था। ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, रेड, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे ऑर्डर किया है। ये 4 पीस का सेट है, जिसमें ये मेन 3 पीस और चौथा होता है लिड। फ्राई पैन जो ये है, जिसकी कैपेसिटी 1.8 लीटर्स है। दूसरा वोक विद लिड है, जो 2.7 लीटर्स की कैपेसिटी का है, और ये रहा उसका लिड। और तीसरा है डोसा तवा, ये रहा डोसा तवा जो 28 सेंटीमीटर डायमीटर का है। ये वंडरशेफ ब्रांड का 4 पीस सेट है। ये 2 ईयर्स की वारंटी के साथ आपको आएगा, और इसका मेटा टफ क्वालिटी दिया है। मेटा टफ यानी जो मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है वो। ये एक नॉनस्टिक कुकवेयर है, जिसमें इन्होंने मार्बल इफेक्ट दिया है, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो देखते हैं क्या है इसके बॉक्स में और क्या क्या दिया है, इसके क्या क्या फीचर्स है। ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, मैं अभी आपको बताती हूँ, और बहुत ही जल्द मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी यूज़ करने के बाद, ये सही में उतना बेनिफिशियल है या नहीं। ये देखिए, इसको ऐसे इस तरह से हैंडल आता है। ये मैंने डायरेक्टली वंडरशेफ के आउटलेट से परचेस किया है। आप इसे अमेज़ॉन से या वंडरशेफ की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। वो हम इसे टर्न करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको और एक बार डिटेल में दिया है, वोक है 24 सेंटीमीटर्स का लिड के साथ, एक फ्राई पैन और एक डोसा तवा। बॉक्स के इस साइड में आपको दिया होगा इसका, इसके सारे फीचर्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। डिज़ाइनर पैन विथ 5 लेयर नॉनस्टिक कुकिंग, ब्यूटीफुल मार्बल लुक इसका है, सॉफ्ट टच हैंडल्स है इसके। ये बोथ इंडक्शन और नॉर्मल गैस स्टोव पे चलता है, और इसका 2 ईयर्स का वारंटी है। इसका MRP 4500 का है, बट अगर आप Amazon पे या डायरेक्टली स्टोर से परचेस करते हो या इनके वेबसाइट से भी, तो आपको ये 2100 में पड़ेगा। तो जल्दी से अब हम लोग इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इन्होंने हमें इस बॉक्स के साथ दिया है। वाओ, सो ब्यूटीफुल ग्रीन कलर। मुझे पहले लग रहा था कि शायद ग्रीन कलर बहुत डार्क होगा, बट ये बहुत ही एलिगेंट है। देखते हैं क्या क्या इसके साथ हमें और मिला है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है एक वंडरशेफ का कुक बुक बाय संजीव कपूर, आप देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में आपको काफ़ी सारे वंडरशेफ़ के प्रोडक्ट्स देखने मिल सकते हैं, और ये एक रेसिपी बुक है जिसमें वेज एंड नॉन वेज दोनों रेसिपीज़ दी हुई है। कुछ कुकिंग टिप्स भी यहाँ पे दिए हैं। इसी के साथ इसमें एक वारंटी कार्ड भी है, जो 2 ईयर्स की वारंटी के साथ है। इसे आपको हमेशा संभाल कर रखना होगा, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वारंटी क्लेम कर सकते हो। और इसी के साथ इसमें एक वाउचर भी दिख रहा है। ये 500 रुपीज़ का वाउचर है, जो नेक्स्ट परचेस पे अबव 3000 की शॉपिंग के ऊपर मुझे यूज़ करते आएगा। अब सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक लिड दिख रहा है। इसे बहुत ही अच्छे से एक कार्डबोर्ड में कवर किया है, ताकि इस पे कोई स्क्रैच ना आए, और बबल पेपर के अंदर इसे दिया है। वाओ, इसका ये बहुत ही अच्छा है। इसका टच आप लोग सिर्फ देख सकते हो, मैं फील कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा इसका फील है। इसी के साथ अब इसमें एक फ्राइंग पैन भी यहाँ दिया है, जो अगेन बबल रैप पेपर में है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही सुंदर मार्बल इफ़ेक्ट है। इसे यहाँ पे थंब पकड़ने के लिए एक ऐसा नीच दिया है, ताकि आप इजीली पैन को पकड़ कर रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, और पीछे जो ये होल दिया है, इसे आप कहीं भी टांग भी सकते हो इस पैन को। ये देखिए, ये बोथ इंडक्शन और गैस स्टोव पे यूज़ कर सकते हो आप इस पैन को। और यहाँ पे साइड में हमें वंडरशेफ का लिखा हुआ भी दिख रहा है। ये बहुत ही सुंदर कलर आया है,
आप देख सकते हो। इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं एक वॉक इन्होंने यहाँ पे दिया है। ये वॉक जो है ये भी बहुत अच्छा है, सेम वही मार्बल इफ़ेक्ट है, वही थंब नॉब दिया है ताकि आप आसानी से पकड़कर इसे यूज़ कर सकते हो। और इस पर भी आप देख सकते हो वंडर शेफ का, मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ वंडर शेफ का किस तरह से लिखा हुआ है। इससे इसका फील बहुत अच्छा आता है। ये यूज़ करने से लिटरली किचन में काम करने का मज़ा डबल आ जाता है। हम लोग हमेशा चाहते हैं हमारा कुकवेयर एकदम बेस्ट हो। तो ये देखिए, ये रहा डोसा तवा, ये भी बहुत अच्छा है। इसका भी जो है ये फील, ये सिलिकॉन मटेरियल का है। आप देख सक, आपको जब अगर आप परचेस करोगे तो आप देख सकोगे यहाँ पे सिलिकॉन की वजह से आप इसे बहुत आसानी से पकड़ सकते हो और इसे कहीं भी आप हैंग भी कर सकते हो। तो ये रहा, ये भी दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हो। नॉन स्टिक है तो आप इंडक्शन पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इलेक्ट्रिक गैस स्टोव पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं तीनों को यहाँ पर रख कर आपको दिखाती हूँ, डोसा तवा, वोक और फ्राइंग पैन। जो लीड हमें दी थी वो हम देखते हैं कि हमें, देखो इस तरह से लीड आराम से आप एक ही लीड फ्राइंग पैन और वोक दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो। डोसा तवा पे ये अच्छे से फिट नहीं बैठती है, बट टेम्प्ररी आपका काम इससे चल जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप, ये तो ये रहा इसका, आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। बहुत ही जल्द मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगी यूज़ करने के बाद। मैंने सबसे पहले इसमें जलेबी ट्राई की थी तो मेरी जलेबी इसमें बहुत अच्छे से बनी है और ये बिल्कुल भी नीचे स्टिक नहीं हुई थी। नॉन स्टिक होने की वजह से ये बहुत ही आसान है और इसे वॉश करना भी उतना ही ईजी है। आपको वॉश करते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप इसे स्कॉच ब्राइट या कोई स्पंज वाले से ही इसे वॉश करें। तो अगर आपको मेरा ये अनबॉक्सिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।